इस साल मैं अपनी और अपने क्लाइंट की कोई भी बिजनेस वेबसाइट वर्डप्रेस या वूकॉमर्स की सहायता से नहीं बनाऊंगा। बट क्या इसका मतलब यह है कि आपको भी नहीं बनानी चाहिए? इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वर्डप्रेस एक कमाल का प्लेटफॉर्म है क्विक वेबसाइट्स बनाने के लिए, खासकर ब्लॉग्स और ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। कुछ फैक्ट्स के बारे में अगर आप लोग को बताऊं तो 40% वेबसाइट्स वर्डप्रेस के द्वारा पावर्ड है, ओपन सोर्स है वर्डप्रेस, विच मींस कि आपको पता होता है आपका डेटा कहां जा रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वर्डप्रेस के पीछे, जिससे कि आप लोगों को बहुत ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाता है। और हाँ, वर्डप्रेस स्केलेबल भी है, स्केलेबिलिटी इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। आप स्केल कर लो, मिलियंस ऑफ यूजर्स आपके सर्व किए जा सकते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट से। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं यूज नहीं करूंगा बिजनेस वेबसाइट्स के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और मेनली मैं वूकॉमर्स को भी टारगेट करके आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। 2024 से AI इनोवेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यार मार्केट में कमाल के टूल्स आ गए हैं। कुछ नहीं तो यार GitHub Copilot के थ्रू लोग बना रहे हैं वेबसाइट्स बड़ी तेजी से। जिसको कोडिंग नहीं आती है वो AI बिल्डर्स के थ्रू बना रहा है, बहुत मजेदार वेबसाइट्स बन रही है, उनका काम भी हो रहा है। ऐसे में वर्डप्रेस को इस दौर में सीखना क्या एक अच्छा मूव होगा भी कि नहीं, ये आप लोगों को बताता हूं। तो जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बिजनेस वेबसाइट्स बढ़ते जा रही है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज कॉन्स्टेंट है और वो है कि जो पुराने बिजनेस वर्डप्रेस पर वेबसाइट यूज कर रहे थे वो ऑलमोस्ट उतने ही है। और वो जो बिजनेसेस है उनको अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए वर्डप्रेस का एक टेक्नीशियन चाहिए जो कि वर्डप्रेस की टेक्निकलिटीज को समझता हो। बहुत सारे बिजनेसेस वर्डप्रेस के समंदर में इतना गहरा जा चुके हैं कि अब वो वापस नहीं आ सकते। उनकी वेबसाइट वर्डप्रेस में अगर वो कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वो वापस नहीं आ सकते। ऐसे में वर्डप्रेस की जॉब्स भी हैं। ई-कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि वूकॉमर्स के थ्रू चुटकियों में वेबसाइट बन जाती है। ऑन दी अदर हैंड आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी आ गई, जैसे कि Next.js है, Django है, Django में बहुत सारे प्लगइन्स आ गए जो कि मॉडर्न है, जावास्क्रिप्ट के बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस आ गए जो कि मॉडर्न है, उनका इस्तेमाल करके आप लोग Next.js से, React से कमाल की ऐसी एप्स बना सकते हो जिस पे आपका फुल कंट्रोल होता है। तो यहां पर एक ट्रेड ऑफ आ जाता है। अब देखो, मैं पर्सनली अपनी वेबसाइट कभी नहीं बनाऊंगा वर्डप्रेस और वूकॉमर्स की सहायता से क्योंकि मैं कोडर हूं, तो मैं समझता हूं उस चीज को कि मुझे एक एक चीज का कंट्रोल अगर चाहिए तो मुझे कोड लिखना पड़ेगा। ऐसे में मैं लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर लूंगा, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए मैं नेक्स्ट ऑथ का इस्तेमाल कर लूंगा, और फिर मान लो मुझे अगर शॉपिफाई इंटीग्रेशन करना है तो मैं वो भी कर लूंगा। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, गूगल रीकैप्चा लगाने के, रिएक्ट के प्लगइन्स हैं, वो सब आप लोग प्रयोग में ले सकते हो। और आप प्रीटी मच जैसे वर्डप्रेस के प्लगइन्स होते हैं उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग नहीं आती, वैसे ही कोडिंग के भी प्लगइन्स होते हैं उन लोगों के लिए जो कि कोड कर रहे हैं। शायद वो 2-3 दिन बिताते हैं वो कोड लिखने में, वो सिंपली npm इंस्टॉल करके अपना काम बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर इस अप्रोच में एक ड्रॉबैक है कि आप गलती करोगे, और गलती अगर आप एक बिगिनर कोडर हो तो जरूर करोगे, और गलती आपके बिजनेस को भारी पड़ सकती है। वर्डप्रेस और वूकॉमर्स का आप इस्तेमाल करोगे तो आप लोग शायद वो गलती नहीं करोगे क्योंकि यार वो ऑप्टिमाइज्ड है, सालों से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग वर्डप्रेस और वूकॉमर्स का प्रयोग कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। अगर आप लोग एक सीनियर कोडर हो, एक कॉन्फिडेंट कोडर हो, जैसे कि मैं आज की तारीख में इस बात का कॉन्फिडेंस ले सकता हूं कि यार कोई भी बिजनेस अगर चला रहा है, मैं उसकी वेबसाइट बनाता हूं, तो उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी जिससे कि उसका बिजनेस बंद हो जाए। तो वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स आर रेलेवेंट, एंड वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स विल स्टिल बी रेलेवेंट इन इयर्स टू कम। यहां पर कोडिंग सीखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, ये बात मैं कोडर होके मानता हूं। और ऐसे में अगर किसी एक इंसान को बिजनेस करना है तो वर्डप्रेस वूकॉमर्स से वो एक बहुत अच्छा स्टार्ट ले सकता है। हां, अगर आप बिलियंस ऑफ यूजर्स पे स्केल कर जाओ तो शायद आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तब आप लोग हायर कर सकते हो, इसका मतलब आपके पास पैसा है अगर आप लोगों के पास मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। तो फिर वर्डप्रेस के बड़े अच्छे अच्छे प्लगइन्स होते हैं। वूकॉमर्स खुद में एक प्लगइन है जो कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक ई-कॉमर्स स्टोर बना देता है, एंड इट्स पावरफुल देन एवर। वर्डप्रेस में वूकॉमर्स इंस्टॉल करके चुटकियों में आप लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, और ऐसा करने के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आप लोगों को मिल जाएंगे इंटरनेट पर। अगर आप लोग को ईमेल मार्केटिंग करनी है तो आपको कोड लिखना पड़ेगा अगर आप लोग Next.js में बना रहे हो, Django में बना रहे हो, बट आपके पास Omniscient जैसे प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस में। अब मैं आपको Omniscient के बारे में बताता हूं जो कि इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है। Omniscient एक कमाल का प्लगइन है जिसकी सहायता से आप लोग यूज कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग का। बहुत सारे लोगों ने $1 खर्च करके $72 कमाए हैं यूजिंग Omniscient, मतलब कि आप लोग ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेट कर सकते हो एंड टू एंड। Omniscient की एक बड़ी कमाल की बात यह है कि एक सिंपल सा प्लगइन है, इंस्टॉल करो और आपका काम शुरू हो जाएगा। अगर आप Next.js वगैरह में बना रहे हो अपनी वेबसाइट तो शायद आप ये नहीं कर पाओ, लेकिन अगर आप लोग वर्डप्रेस वूकॉमर्स में बना रहे हो तो Omniscient has got you covered for your marketing। Omniscient की सहायता से आप लोग वर्ल्ड वाइड मैसेजेस भी भेज सकते हो जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप लोग अपने बिजनेस पर फोकस कर पाओगे। 1,00,000 से भी ज्यादा लोग Omniscient का इस्तेमाल करते हैं और इनकी अवार्ड विनिंग कस्टमर सपोर्ट टीम कमाल की है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। अब बात करते हैं कि कब आपको वर्डप्रेस यूज करना चाहिए और कब आपको वर्डप्रेस और वूकॉमर्स यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आपका ऑप्शन सिर्फ वर्डप्रेस। अगर आपके पास एक एक्सेस नहीं है किसी कोडर का तो मैं कहूंगा वर्डप्रेस ही इस्तेमाल में लो यार, क्योंकि अगर आप लोग के पास कोडर नहीं है, आप हायर नहीं कर सकते, हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी कम से कम एक वर्डप्रेस वेबसाइट बन जाएगी। दूसरी चीज ये, अगर वेबसाइट आपकी प्राइमरी चीज नहीं है तब आप लोग वर्डप्रेस में बना सकते हो, क्योंकि जब आपके
वर्डप्रेस वेबसाइट में काम हो ही नहीं रहा है, सिर्फ आपने एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए बना रखी है वेबसाइट, तब एक वर्डप्रेस वेबसाइट चलेगी, कोई भी एक स्टैटिक वेबसाइट भी चलेगी जो कि बहुत इजीली वर्डप्रेस से बन जाती है, जहां पर आप शायद कंटेंट भी पब्लिश कर पाओ, ब्लॉग्स पब्लिश कर पाओ या फिर लोगों को मैसेजेस वगैरह ब्रॉडकास्ट कर पाओ, तो उसके लिए वर्डप्रेस वेबसाइट बेस्ट है। तो आपको कोडिंग नहीं आती है, इजी टू सेटअप कुछ चाहिए तो वर्डप्रेस इज योर बेस्ट फ्रेंड। वर्डप्रेस बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत चीप है, और उसी के साथ साथ आप इसके एडमिन पैनल को बहुत ही इजीली समझ सकते हो एक से दो दिन में। कस्टमाइज करना है तो यूट्यूब वीडियोस देखकर आप प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। अब क्यों आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वर्डप्रेस वो मैं बताता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट ही आपका मेन बिजनेस है जो कि आपको मालूम है कि ग्रो होने वाला है, तो आपको वर्डप्रेस यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है यार कि मेरी वेबसाइट पे सारा डेटा इकट्ठा होना है, मेरी वेबसाइट पे सब कुछ आएगा। चाहे आपके पास अगर फंड्स नहीं भी हैं, तब भी मैं कहूंगा आप वर्डप्रेस और वूकॉमर्स मत इस्तेमाल करो, क्योंकि एक टाइम पे आप लोग जब स्केल अप करोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे साइन इन विद गूगल भी बनाना है, जिसका प्लगइन होता है वर्डप्रेस में, बट अगेन शायद कोई नई चीज आई उसका प्लगइन वर्डप्रेस में नहीं है। अब आप इंतजार कर रहे हो कि यार मेरा प्लगइन तो है नहीं वर्डप्रेस में, मैं क्या करूं। अब आप वर्डप्रेस के समुद्र में डूब गए हो और लोगों को हायर कर रहे हो सिर्फ प्लगइन बनाने के लिए। दूसरी चीज ये, आजकल अच्छे प्लगइन्स वर्डप्रेस पर है, गंदे प्लगइन्स भी बहुत सारे हैं, और गंदे प्लगइन्स का पता तब तक नहीं चलेगा आपको जब तक आपकी साइट स्लो नहीं होगी। लोग कुछ भी कोड लिखते हैं और प्लगइन्स बनाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऑप्टिमल प्लगइन्स नहीं बनाते हैं। फिर दूसरी चीज ये कि कुछ लोग प्लगइन सिर्फ हॉबी बेसिस पे बनाते हैं, तो वो प्लगइन कब बंद हो जाए आपको पता ही नहीं, और आपकी साइट रातों रात डाउन हो सकती है। आप बेसिकली डिपेंडेंट हैं 30 अदर प्लगइन मेकिंग कंपनीज पर अपने मेन बिजनेस के लिए। क्या आप ऐसा चाहोगे? मुझे नहीं लगता आप ऐसा चाहोगे, खासकर अगर आप लोग अपने बिजनेस के लिए सीरियस हो या उससे कुछ सीरियस पैसा कमाते हो तो आप ऐसा नहीं चाहोगे। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैट मनी आप एक नेक्स्ट डेवलपर हायर करो, रिएक्ट डेवलपर हायर करो और अपनी वेबसाइट को बनवाकर उससे मेंटेन करवाओ। फिर एक और चीज होती है प्लगइन ओवरलोड। अगर आपने बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल कर दिए हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पर, तो आपकी वेबसाइट इवेंचुअली स्लो हो जाएगी। फिर ढूंढते रहो कौन से प्लगइन ने प्रॉब्लम कॉज करी, और एक बार वर्डप्रेस की वेबसाइट डाउन हो जाती है ना, कभी कभी तो रिकवर ही नहीं कर पाओगे आप उससे। फिर ऐसे में आप क्या करोगे? आपकी वेबसाइट डाउन है, आपके कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं आपकी वेबसाइट में, एंड ये रियलिस्टिक सिनेरियोस हैं। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई आपको चलाना नहीं आता तो आपकी डाउन होगी वेबसाइट, आपने गलती करी तो ये होगा, बट कभी कभी आपकी गलती नहीं होती है, रातों रात बंद हो जाती है वेबसाइट। क्यों हो जाती है? क्योंकि शायद प्लगइन किसी एक थर्ड पार्टी एपीआई पे रिक्वेस्ट मार रहा था, और अब वो जो प्लगइन है वो रिक्वेस्ट नहीं मार पा रहा है, तो अब आपकी जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही है तो सही से, या फिर उसमें व्हाइट स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाती है, जो कि वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा कॉमन है, पूरी व्हाइट स्क्रीन हो जाती है, कंसोल में एरर्स होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर अगर आप लोग डेटा साइंस को लेवरेज करना चाहते हो तो आजकल पाइथन में काम होता है, उसके लिए मैं जेंगो को रेकमेंड करता हूँ, या फिर आप रिएक्ट में ऐप बनाओ अपनी और एक जेंगो बैकएंड का इस्तेमाल करो, जो कि ये सारे डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाले टास्क को संभाल रहा है। पीएचपी में डेटा साइंस अच्छी नहीं हो सकती, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, घुमा के भी नहीं बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ मुंह पे कि भाई पीएचपी इज नॉट फॉर डेटा साइंस। क्यों? क्योंकि यार आपको सब चीजें स्क्रैच लिखनी पड़ेंगी। पाइथन में लाइब्रेरीज हैं, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, साइकिटलर्न, टेंसरफ्लो, बहुत सारी है लाइब्रेरीज जो कि आप लोग पाइथन में यूज कर सकते हो, वो पीएचपी में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। मिलेगी भी तो कोई पोर्ट मिलेगा जो कि शायद फिर से चले या ना चले, आप डिपेंडेंट हो जाओगे उस पोर्ट में। तो प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि आप लोग अगर बड़ा बिजनेस ओन कर रहे हो तो आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहोगे किसी एक ऐसे इंसान पे जो कि हॉबी प्रोजेक्ट के तौर पर प्लगइन्स बना रहा है, या किसी ऐसे इंसान पर जिसने एक पोर्ट बना दिया मजाक मजाक में, अब आपने सीरियस ले लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया प्लगइन और आपकी वेबसाइट डाउन हो गई। फिर वर्डप्रेस प्लगइन वाले जो होते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में पैसे ही कमाने आते हैं वो, एक एक प्लगइन के आप लोग पैसे दे रहे हो, एक प्लगइन का पैसा दिया आपने, दूसरे प्लगइन का पैसा दिया, तीसरे प्लगइन का पैसा दिया, जुड़ के इतना ज्यादा पैसा आप लोग खर्च कर रहे हो, होस्टिंग अलग से दे रहे हो। यहां पर वो सारी चीजें एक कोडर फ्री में कर सकता है, अनटिल अनलेस वो कोई थर्ड पार्टी सर्विस नहीं है, समझ लो आप मेरी बात। अब अगर आप लोग ऑथेंटिकेशन के पैसे दे रहे हो, या फिर अगर मान लो आप फॉर्म फिल करवाने के पैसे दे रहे हो, मुझे नहीं लगता यार कि आपको करना चाहिए ऐसा, क्योंकि एक कोडर को हायर करके लाइफ टाइम फ्री में आपको करवा सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस पे भरोसा है कि 5 साल चलेगा 10 साल चलेगा, तो वो कॉस्ट जो आप शायद 5 साल तक दोगे क्या आप देना चाहोगे, इस बारे में थोड़ा एक बार विचार करना। तो वर्डप्रेस बहुत अच्छा है, ओपन सोर्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स पावर होती हैं, सब कुछ होता है, बट क्योंकि कस्टमाइजेबिलिटी नहीं है और फिर उसके बाद इतने सारे रिस्क हैं, फॉर दिस रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो। मैंने आपको कैवियट्स इस वीडियो में बता दिए। तो अगर आप लोग एक प्रोटोटाइप बना रहे हो या एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जो कि सिर्फ आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को रख रही है, तो वर्डप्रेस यूज करो। अगर आपका मेन प्रोडक्ट वेबसाइट नहीं है, आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हो। इफ यू कैन अफोर्ड टू गेट योर वेबसाइट डाउन फॉर 4-5 hours तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर एक भी मिनट के लिए आपकी वेबसाइट डाउन होती है और उसकी वजह से आपको सेल्स जो है कम आ रही है, मुझे नहीं लगता आपको वर्डप्रेस यूज करनी चाहिए। वर्डप्रेस स्केलेबल है, मैंने बोला था इस वीडियो में एंड मल्टीपल टाइम्स बोला था, बट देयर इज अ पॉइंट जब आपकी स्केलेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि एक गलत प्लगइन भी आप लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। कैसे पड़ेगा महंगा? मान लो कि आपकी जो कंप्यूट पावर है वो 2 MB यूज कर लिया एक यूजर ने, 1 billion कितना यूज करेंगे आप लोग देख लो जरा, और यही चीज रैम पे और सिस्टम के सीपीयू पे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हुए आओगे तो आपकी होस्टिंग सर्वर
कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि मैंने आप लोग का जो क्वेश्चन है उसको आंसर किया इस वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर आप लोग कंटेंट देखना चाहते हैं वर्डप्रेस वूकॉमर्स मुझे बताएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।